दोस्तों जब से कोरोना वायरस का मसला देखने को मिला और लॉकडाउन वगैरह लगे उसके बाद से स्कूल कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट वगैरह बंद है राइट। और ऐसे में अब कई राज्य सरकारें धीरे धीरे करके अपने स्कूल कॉलेज वगैरह खोल रही है और ऐसे में आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है कि देश में अभी तक कहां कहां स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और कहां अब और किस तारीख को खुलने वाले हैं। तो मैं यहां पर आपको राज्यवार एक लिस्ट बताने वाला हूं, अपडेट इन्फॉर्मेशन है यहां पर, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कहां स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं और कहां अब खुलने वाले हैं। छोटा सा अपडेट है, दो मिनट में आपको क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले बात करें बिहार की, तो बिहार में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं और साथ ही सरकार ने 8वीं तक की कक्षाएं खोलने के लिए भी 18 जनवरी को निर्देश दिए थे, लेकिन फिर अब इसको 25 जनवरी तक खोलने की प्लानिंग हो सकती है। बाकी राजधानी दिल्ली में अभी 10वीं और 12वीं के छात्रों को स्कूल बुला सकते हैं, पेरेंट्स भेज सकते हैं, जबरदस्ती स्कूल नहीं है, लेकिन अगर आपकी मर्जी है तो जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी सरकार ने कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक खोलने के निर्देश दे दिए हैं, ठीक है। तमिलनाडु सरकार में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में माता पिता के साथ में एक परामर्श मांगा गया और उसके बाद आज 19 जनवरी से ही राज्य भर में स्कूलों को खोलने की प्लानिंग है तमिलनाडु में। वहीं तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 9वीं से ऊपर की कक्षाओं के लिए 1 फरवरी 2021 से स्कूल खोले जाएंगे, है ना, फरवरी के बाद तेलंगाना में। और बाकी उड़ीसा राज्य की बात करें दोस्तों, उड़ीसा में महामारी के कारण 9 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद 8 जनवरी को ही स्कूल कॉलेज यहां पर स्कूल वगैरह जो है 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खोल दिए गए, कॉलेज का अभी तक अपडेट नहीं है। और बाकी गुजरात की बात करें तो गुजरात में 11 जनवरी से 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए फिर से स्कूल खुल चुके हैं, माता पिता की सहमति से कुल मिलाकर के स्कूल जा सकते हैं बच्चे, ठीक है ना। जितने भी राज्यों में स्कूल खुल रहे हैं वहां पर कंपलसरी मैंडेटरी नहीं है कि जाना ही चाहिए, समझ रहे हो ना। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे बच्चों को स्कूल भेज देना चाहिए तो आप भेज सकते हैं, अगर आप एक पेरेंट्स माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं तो। और बाकी अगर आप बच्चे बच्चे खुद ही देख रहे हैं तो आप अपने मर्जी के हिसाब से, आपको लगता है कि हाँ मुझे जाना चाहिए, कुछ डाउट्स क्लियर करने वगैरह, इसलिए जा सकते हो। और बाकी तो मुझे पता है ऐसा कोई स्टूडेंट्स खैर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी बहुत सारे हम जैसे भी होते हैं जिनको कभी भेजो मत स्कूल, जाने का उनका मन ही नहीं करता जब तक कंपलसरी नहीं है तब तक। तो खैर ये राय में मेरे लिए बता रहा हूँ, आप अपने ऊपर पर्सनली मत लीजिएगा। और बाकी राजस्थान राज्य की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 11 जनवरी से एक तो पैरा मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज तो खोल दिए गए हैं। बाकी आपको पता होगा ये 18 तारीख गई, उस दिन से 9वीं और 12वीं तक के स्कूलों को भी खोलने की प्लानिंग बनाई। और वहीं महाराष्ट्र राज्य में मार्च 2020 से ही स्कूल और कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है और इसी महीने की शुरुआत में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोल दिया गया। अब जल्द ही महाराष्ट्र में 5वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की प्लानिंग भी बन रही है। पंजाब में भी दोस्तों 5वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए 7 जनवरी से स्कूल खुल चुके हैं, स्कूल सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलाने के निर्देश हैं। कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक में प्रथम और द्वितीय वर्ष के कॉलेज जो हैं उनके छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं 14 जनवरी को शुरू कर दी गई और 10वीं 12वीं कक्षा के लिए ऑफलाइन कक्षाएं द्वितीय पूर्व विश्वविद्यालय और अंतिम वर्ष की डिग्री और स्नातकोत्तर छात्र पहले ही शुरू हो चुके हैं। तो ये स्कूल कॉलेजों को लेकर खुलने को लेकर अपडेट और प्लानिंग है, उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंच पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।